हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बी एल चौधरी, सीनियर बॉटनी फैकल्टी सी एल सी सीकर। वी डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर्स नीट क्वेश्चंस ऑफ बॉटनी। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपको भी पता है, आपको आइडिया है कि श्रृंखला में अपन जो नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे थे और उसमें हमने प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, प्लांट एम्ब्रोलॉजी और इकोलॉजी, अब इकोलॉजी के क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक है और इकोलॉजी से पर ईयर यानी प्रत्येक वर्ष नीट एग्जाम के अंदर मिनिमम से मिनिमम 9 से 10 क्वेश्चन, पिछले 3 साल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इकोलॉजी से टोटल क्वेश्चन जो 2013 से 2019 में आए हैं वो 92 क्वेश्चन हैं। इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में किया, इकोलॉजी फर्स्ट और सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 40 तक इकोलॉजी फर्स्ट में, जिसमें 2 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम स्ट्रक्चर फंक्शन। और नेक्स्ट इकोलॉजी सेकंड में 2 चैप्टर हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, जो एनसीईआरटी की 12th NCERT की सिक्वेंस के 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 13 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक। तो 13-14 फर्स्ट, 15-16 सेकेंड। और स्टूडेंट बहुत स्कोरिंग टॉपिक है बेटा जी, ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और 100% एनसीईआरटी से इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए बायोलॉजिस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा जी, ए बायोलॉजिस्ट स्टेट दैट द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन ए बार्न, ही फाउंड दैट द एवरेज नेटलिटी नेटलिटी बर्थ रेट वॉज 250, एवरेज मॉर्टलिटी 240, इमिग्रेशन 20 एंड इमाइग्रेशन 30। तो एक जीव वैज्ञानिक के खलिहान में चूहों की समष्टि का अध्ययन किया गया, उसने पाया कि औसत जन्म दर 250 है, औसत मृत्यु दर 240 है, आप्रवासन दर 20 है और उत्प्रवासन दर 30 है। तो समष्टि की शुद्ध वृद्धि कितनी है? तो स्टूडेंट आप ध्यान दें, पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर वहां अपन पढ़ते हैं कि 4 फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को इफेक्ट या उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, क्लियर? और उसमें 2 नेचुरल फैक्टर हैं, नेटलिटी और मोर्टलिटी यानी बर्थ रेट और डेथ रेट। तो अपन क्या कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन वहां पढ़ते हैं बर्थ रेट, क्लियर? बी जो नेटलिटी है, बर्थ रेट अपन कहते हैं पर कैपिटा बर्थ यानी समष्टि में प्रति व्यष्टि जो जन्म हो रहे हैं वो पर कैपिटा बर्थ है। फिर अपन पढ़ते हैं डेथ रेट, तो डेथ रेट जो होती है वो होती है डी मॉर्टेलिटी और वो होता है पर कैपिटा डेथ। जनरली स्टूडेंट आप यहां पर ध्यान दें, ये 2 नेचुरल फैक्टर हैं जो अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं R इक्वल टू बी माइनस डी इन इंट्रिंजिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये बर्थ रेट और डेथ रेट, क्लियर? लेकिन 2 फैक्टर और होते हैं जो स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर फंक्शन करते हैं और वो स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जो फंक्शन करते हैं वो इमिग्रेशन आई यानी टेम्परेरी अनदर प्लेस से किसी समष्टि में आए हुए जो इंडिविजुअल्स की संख्या होती है और इमिग्रेशन कि पलायन जो कर जाते हैं वहां से, उत्प्रवासन जो किसी कारणों से छोड़ चुके हैं, लेफ्ट कर चुके हैं उसको। तो अब आप समझ सकते हैं, तो उस वहां की प्लेस की समष्टि को अब ये 4 फैक्टर आपके सामने अफेक्ट करेंगे कि अपन ऐसे कहते हैं कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी साइज एन या पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो फिर अपने 4 फैक्टर बताते हैं, बी जो प्लस है और डी जो माइनस है, इमिग्रेशन आई जो प्लस करेगा और ई जो माइनस, यानी नेटलिटी इस बॉक्स में अपन क्या देंगे नेटलिटी, इस बॉक्स में यहां इस बॉक्स में अपन क्या देंगे मॉर्टलिटी और इस बॉक्स में अपन इमिग्रेशन और इसमें अपन इमाइग्रेशन। फाइनली फिर अपन कहें कि टी टाइम पे पॉपुलेशन का साइज ये था, क्लियर? और आफ्टर
यूनिट टाइम T1 टाइम के बाद, तो अपन वो जो भी इक्वेशन आपके सामने दें, तो इक्वेशन है NT plus 1 यानी आफ्टर यूनिट टाइम, तो NT पॉपुलेशन गिवन टाइम टी, NT प्लस लार्ज ब्रैकेट B प्लस I माइनस D प्लस E, क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन यहां पर डालें कि यहां पर जो बर्थ रेट है, नेटलिटी है, सॉरी वो 250 है, 250, क्लियर, और प्लस 20 इमाइग्रेशन है, माइनस या मोर्टलिटी 240 है, क्लियर, प्लस 30 इमाइग्रेशन है, क्लियर। तो 270 और माइनस 270, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इस पॉपुलेशन की साइज में कोई ग्रोथ नहीं होगी, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड। क्लियर स्टूडेंट, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने पूरी इक्वेशन आपको बता दी। और वहां देखो आप पॉपुलेशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन डेफिनेशन बता रखी है, फिर एक पॉपुलेशन में 3 टाइप के मेंबर होते हैं, एज पिरामिड आपको बता रखे हैं, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, और आफ्टर पॉपुलेशन डेंसिटी जो अफेक्ट करने वाले, इंपैक्ट डालने वाले फैक्टर, एंड देन पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, सिग्मोइड और जैसे। तो यहाँ से 100% एक क्वेश्चन हर ईयर आता है, क्लियर। और अभी देखना आप आगे इस यहाँ रिपीट देखोगे तो इस पॉपुलेशन टॉपिक से, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, किसमें पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो इजीली आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ये तो मॉर्फोलॉजी का भी क्वेश्चन है, कि जनरली आप जानते हो फिलोक्लेड, तो फिलोक्लेड होता है, फिलोक्लेड प्रणाब स्तंभ, तो फिलोक्लेड में, प्रणाब स्तंभ में कंप्लीट स्टेम फ्लैट ग्रीन मॉडिफाइड हो जाता है फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये अनलिमिटेड ग्रो करती हुई ये शाखाएं होती है, ब्रांचेज होती हैं, और आप समझ सकते हैं कि ये फ्लैट एंड ग्रीन स्टेम होता है, और लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, तो लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन टू रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बिकॉज दे आर जीरोफाइटिक सकुलेंट प्लांट, क्लियर, ओपन सिया कैक्टस, क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट एज ए पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला टू एस्केप द हीट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ हॉट समर, थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्थन रीजन मूव टू, जिस प्रकार एक व्यक्ति गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए दिल्ली से शिमला जाता है, उसी प्रकार साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडे उत्तरी प्रदेशों से हजारों प्रवासी पक्षी किस ओर जाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आपको जनरली 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म, यानी रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एबायोटिक फैक्टर्स, तो आपको 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म बता रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है होमियोस्टेसिस की प्रॉपर्टी के थ्रू, इनका इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी, इंटरनल बॉडी फ्लूड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी, तो वो आप समझ सकते हैं कि कैटेगरी रेगुलेटर, और वो एक ऑप्टिमम हाई टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं 37, ह्यूमन का 37, क्लियर। अब आप समझ पा रहे हैं, तो ये एक वाइड रेंज में टॉलरेंस कर सकते हैं, कि इंटरनल का कांस्टेंट तो वाइड रेंज में टॉलरेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कन्फर्मर्स हैं, कन्फर्मर का इंटरनल कांस्टेंट नहीं होता है, ये बी कैटेगरी हो गई कन्फर्मर्स, तो कन्फर्मर्स हैं, इनका कांस्टेंट नहीं होता है, अकॉर्डिंग जो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग इनका चेंज होता है, तो एक नैरो रेंज में सर्वाइव करते हैं, क्लियर, और एक लिमिटेड रेंज, तो ये आपके होते हैं पार्शली रेगुलेटर, सी कैटेगरी, क्लियर। अब अपन कहते हैं कि जनरली जो पार्शली रेगुलेटर है या फिर कन्फर्मर्स हैं, तो ये जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, या फिर अनफेवरेबल एनवायरमेंट हो जाता है, तो वहाँ से ये माइग्रेट कर जाते हैं, और आप समझ पा रहे हैं कि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन है वो कंडीशन बीत जाती है, तो पुनः वापस लौट आते हैं, रिटर्न हो जाते हैं, इसको आप कहते हो माइग्रेशन। तो दो वहां पर है माइग्रेशन, क्लियर, कि वो तो आप समझ पा रहे हैं, दूसरा एस्केप टू टाइम सस्पेंड, तो दो डिवाइसेज उनके लिए। तो माइग्रेशन में आप जानते हो कि जैसे जो आपने बात की यहां पर कि नॉर्थन रीजन जो एक्सट्रीमली कोल्ड है, पोलर रीजन्स हैं,
तो वहाँ जैसे साइबेरिया, साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन्स, आप जानते हो सबसे लॉन्गेस्ट जो माइग्रेशन आर्कटिक टर्न, तो वहाँ से अपने यहाँ भरतपुर के घना नेशनल पार्क, भरतपुर केवलादेव घना नेशनल पार्क में वो बर्ड्स आते हैं और विंटर में, और जैसे ही वहाँ अनफेवरेबल कंडीशन कंप्लीट हो जाती है तो वापस रिटर्न हो जाते हैं, तो इसको आप माइग्रेशन कहते हैं। क्लियर? तो आप समझ पा रहे हैं कि वेस्टर्न घाट नहीं होगा, मेघालय नहीं होगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं होगा, केवलादेव नेशनल पार्क। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट ध्यान दें। द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स चेंजेज इन टू पॉपुलेशन ए एंड बी ऑफ द हर्बीवर्स इन ए ग्रासी फील्ड एंड ए पॉसिबल रीजन फॉर दीज चेंजेज। निम्नलिखित ग्राफ एक घासी मैदान में शाकाहारियों की दो समस्याएं ए तथा बी में होने वाले परिवर्तनों को बताता है। इन परिवर्तनों का संभावित कारण है कि, देखो स्टूडेंट ध्यान दें कि आप जानते हो दोनों शाकाहारी हैं, एक ही प्रकार की रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो आप जानते हैं कि वहाँ उनका दोनों का निक्के सेम है ऑलमोस्ट, तो वहाँ दोनों में कॉम्पिटिशन होगा। क्लियर? और कॉम्पिटिशन में आप समझ सकते हो कॉम्पिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्लियर? कि जो सुपीरियर होगा वो इनफीरियर के एरिया को तो कम करेगा या उसको वहाँ से रिमूव कर देगा। क्लियर? तो आप समझ रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखें कि ए की पॉपुलेशन बी के इन्फ्लुएंस में कम हो रही है। क्लियर? तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन पॉपुलेशन ए कंज्यूम्ड द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन बी, समष्टि ए ने समष्टि बी के सदस्यों का उपभोग कर लिया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ए उसको कंज्यूम करती तो ग्राफ नीचे नहीं आता। क्लियर? बोथ प्लांट पॉपुलेशन दिस हैबिटेट डिक्रीज्ड, ऐसा दोनों प्लांट डिक्रीज नहीं हो रही हैं। पॉपुलेशन बी कंपीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए, 100% पॉपुलेशन बी कंपीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए। तो पॉपुलेशन बी क्या है? सुपीरियर है। क्लियर? और उसने कॉम्पिटिशन के अंदर मोर बाई कंपीटेड मोर सक्सेसफुली, और ये ए, तो ये अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडसली अफेक्टेड। भाई अपन यहाँ पर आ गए बायोटिक कम्युनिटी, तो जो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन हैं, पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस, तो इकोलॉजी में आप समझ सकते हैं कि जो पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस होती हैं उनको अपन बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस, इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। क्लियर? तो इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन इट मीन पॉपुलेशन ए पॉपुलेशन बी, दो डिफरेंट पॉपुलेशन के मेंबर होंगे और डिफरेंट पॉपुलेशन के मेंबर में इंट्रैक्शन होता है इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा का मीन होता है विथ इन ए पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन के मेंबर में रिसोर्स के लिए फूड के लिए कंपटीशन ज़्यादा होगा। हालांकि आप समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट आपका क्या इंट्रा स्पेसिफिक है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में जो पोटेंट फोर्स है वो इंटर स्पेसिफिक है, क्योंकि वहाँ एक पॉपुलेशन अदर से अफेक्ट हो रहा है या एक का इफेक्ट या इम्पैक्ट अदर पे है। क्लियर? तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर अपन कहते हैं कि जो पॉजिटिव इंट्रैक्शन होती है वो ये है कि पॉजिटिव इंट्रैक्शन में आप समझ पा रहे हैं कि या तो दोनों को बेनिफिट होता है या किसी एक को बेनिफिट बट अदर हार्म नहीं हो, मतलब दोनों को बेनिफिट हो या किसी एक को बेनिफिट लेकिन लॉस किसी को भी नहीं हो, वो होती है पॉजिटिव इंट्रैक्शंस। तो पॉजिटिव इंट्रैक्शन आप समझ सकते हैं कि प्लस प्लस, ये तो कोवोल्यूशन है म्यूचुअलिज्म। क्लियर? प्लस और ये जीरो, ये कमेंसलिज्म है, ये म्यूचुअलिज्म है, ये कमेंसलिज्म है। प्रोटोकोपरेशन भी पॉजिटिव इंट्रैक्शन है बट वहाँ पर आप जानते हो कोवोल्यूशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशन नहीं है, इसेंशियल नहीं है। क्लियर? ये तो पॉजिटिव हो गई। फिर अपन बात करते हैं नेगेटिव की, तो प्लस माइनस प्रीडेशन हो गया, प्लस माइनस ही पैरासिटिज्म हो गया। क्लियर? तो प्रीडेशन और पैरासिटिज्म आप समझ सकते हैं। उसके बाद एक इंट्रैक्शन होती है जो माइनस माइनस है, एक इंट्रैक्शन होती है जो क्या बेटा माइनस माइनस, तो एडवर्सली बोथ अफेक्टेड। क्लियर? बोथ गेट हार्म्ड। क्लियर? तो आप समझ पा रहे हैं कि ये आपकी है कॉम्पिटिशन। क्लियर? तो कॉम्पिटिशन हो गया, ये अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी 3। अब आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
stem modified into flat green organ performing the function of leaves are known as, वो ही क्वेश्चन है बेटा, फिलोक्लेड, क्लियर। तो फिलोक्लेड में आप देखते हो कंप्लीट स्टेम मॉडिफाई हो जाता है, कंप्लीट स्टेम फ्लैट ग्रीन हो जाता है, फ्लैट ग्रीन, क्लियर। और ये अनलिमिटेड ग्रोइंग ब्रांच होती हैं और कंप्लीटली स्टेम फ्लैट ग्रीन, और लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, और ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो फ्लैट ग्रीन है, इनसाइड म्यूसिलेज स्टोर्ड है, और ये आप समझ रहे हैं कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है जिसको आप कहते हो फिलोक्लेड, फिलोक्लेड। ओपनसिया एंड कैक्टस, ओपनसिया एंड कैक्टस। फिर आप जानते हो क्लेडोड भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, फिलोड जो है फिलोन ऑस्टेनकेसिया, वो उसमें पिटियोल एक्सपेंड होता है तो वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, क्लियर। तो आप समझ पा रहे हैं कि भाई फिलोड ये तो लीफ का मॉडिफिकेशन हो गया, फिलोक्लेड ये करेक्ट हो गया, करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, स्केल है नहीं, क्लेडोड ये स्टेम का है लेकिन कंप्लीट स्टेम नहीं होता उसमें, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड, क्लियर। नेक्स्ट आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, गोसेज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट दैट, इस पर दी अपवर्जन का गोसे का नियम कहता है। तो आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, आप भी समझ पा रहे हैं कि गोसेज प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन आप समझ रहे हैं, तो गोसेज जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसमें है कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है और सेम रिसोर्स के लिए कंपीट कर रही हैं तो अल्टीमेटली वहाँ से किसी एक को एक्सक्लूज होना पड़ेगा, ये एग्जिंट हो जाएगी। तो वहाँ दो टाइप की स्पीसीज होती, सुपीरियर और इन्फीरियर, क्लियर। तो जी एफ गोसे ने ये जो प्रिंसिपल प्रोवाइड किया था, आप समझ पा रहे हैं कि कॉम्पिटिशन फॉर द सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूड स्पीसीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रिफरेंस, तो गलत हो गया कि भाई वो तो एक्सक्लूड हो ही नहीं सकती जो हैविंग डिफरेंट फूड प्रिफरेंस, जो डिफरेंट टाइप फूड का प्रिफरेंस करे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्लियर। नॉट टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निके आइडेंटिटी इनडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज, कोई भी दो स्पीसीज एक ही निकेत में असीमित अवधि के लिए नहीं रह सकती क्योंकि सीमाकार संसाधन समान ही होते हैं, ये करेक्ट है, क्लियर। तो आप समझ पा रहे हैं कि दो स्पीसीज का निके सेम नहीं हो सकता है, हैबिटेट एक उससे निके नहीं है, अगर निके ओवरलैपिंग हो रही है तो कंपटीशन वहां पे हो रहा है, क्लियर। तो आप समझ पा रहे हैं, तो नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निके, क्योंकि सेम निके में नहीं रह सकती, जो इन्फीरियर है उसको वहां से एक्सक्लूड होना पड़ेगा, क्लियर। तो इसको आप कहते हो गोसेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्लियर। तो आप ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू आंसर सेकंड हो गया। अब लार्जर थर्ड ऑप्शन आप देखें, लार्जर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉलर वन थ्रू कॉम्पिटिशन, ऐसा नहीं होता है कि कोई लार्ज स्मॉल को एक्सक्लूड करे, वहां तो सुपीरियर इन्फीरियर का होता है कि उसकी फीडिंग कैपेसिटी क्या है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्लियर। उसके बाद आपका है कि मोर एबुडेंट स्पीसीज विल एक्सक्लूड द लेस एबुडेंट स्पीसीज थ्रू कॉम्पिटिशन, ऐसा भी नहीं है क्योंकि वहां पर आप समझ रहे हो कि जब निक्के सेम होता है तो कॉम्पिटिशन होता है, और निक्के का मीन होता है फंक्शनल रोल, इट मीन किस टाइप को रिसोर्स यूटिलाइज करें, अगर वो एक ही प्रकार की रिसोर्स जिसका मतलब सेम रिसोर्स है उनका और सेम रिसोर्सेज है तो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए वो साथ साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, किसी एक को वहां से, इन्फीरियर को वहां से या तो एग्जिंट हो गया फिर वहां से एक्सक्लूड होना पड़ेगा, क्लियर। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल 0, द लॉजिस्टिक मॉडल इज गिवन एज डीएन अपॉन डीटी बराबर आरएन 1 माइनस एन अपॉन के। आप भी समझते हैं कि मोर इलास्टिक जो ग्रोथ मॉडल होता है सिग्मोइड होता है, आप समझ रहे हैं कि विरुलस्ट पर्ल ग्रोथ मॉडल होता है, और जो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल होता है इसमें ये फेजेज होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट में एडेप्ट होते हैं तो लैग स्लो ग्रोथ, स्लो लैग फेज, फिर लॉग में पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर आप जानते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेचर की जो कैरिंग कैपेसिटी है, नेचुरल रेजिस्टेंस है, फैक्टर इन कैरिंग कैपेसिटी है, तो वहाँ आप जानते हैं कि स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। तो आप समझ रहे हैं कि ये आपका हो गया लैग फेज, ये पॉजिटिव लॉग फेज में पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड देन स्टेशनरी फेज, तो ये सिग्मोइड है, क्लियर। आप बेटा जी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई इसके लिए इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है कि डीएन अपॉन डीटी, सिंपल इक्वेशन डीएन अपॉन डीटी आरएन
बट जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं लार्ज ऑर्गेनिज्म के लिए तो नेचर का इन्फ्लुएंस आता है, नेचुरल के ऑल एनवायरनमेंट फैक्टर का इन्फ्लुएंस आता है, तो डीएन अपॉन डीटी बराबर आरएन, और फिर आपका फॉर्मूला आ जाएगा के माइनस एन बाई के। इसको अपन सोल्व करेंगे तो डीएन अपॉन डीटी बराबर आरएन वन माइनस एन बाई के। क्लियर? तो आपके पास यहां पर आ गया वन माइनस एन बाई के। अगर अपन दोनों को यूनिट कर दें, जैसे इवन टू टू या कुछ भी अपन यूनिट कर दें, तो वन माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर? तो आप वही समझ रहे हैं कि भी जितना मतलब लोअर न्यूमेरिकल वैल्यू होगा रेजिस्टेंस हाई उतना ही होगा। क्लियर? तो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि व्हेन एन नियर द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। व्हेन एन बाई के इक्वल जीरो, शून्य के बराबर हो। व्हेन डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट, जन्मदर की अपेक्षा मृत्युदर अधिक होगी तो डिक्रीज और हो जाएगा। व्हेन एन बाई के एग्जैक्टली वन, हाँ एन बाई के एग्जैक्टली वन, अगर वो इकाई हो जाए, अगर एक हो जाए वो, क्लियर, एन बाई के एग्जैक्टली वन, तो आप समझ रहे हैं कि स्टेशनरी फेज यानी वही, क्लियर, आपका स्टेबल ग्रोथ हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फोर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इफ प्लस साइन इज असाइन टू बेनिफिशियल इंटरेक्शन, साइन टू डेट्रीमेंटल एंड जीरो साइन टू न्यूट्रल इंटरेक्शन, देन द पॉपुलेशन इंटरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाई, तो प्लस माइनस रेफर्स। यदि प्लस चिन्ह को अपन लाभदायी परस्पर क्रिया के लिए, माइनस को अपन हानिकारक के लिए, और जीरो को अपन उदासीन, ये तो आप समझ सकते हैं कि वहां प्लस बेनिफिशियल प्रोसेस के लिए, माइनस डेट्रीमेंटल हार्मफुल, और ये आपका अनअफेक्टेड या जो भी न्यूट्रल है। क्लियर? अब इंटरेक्शन वहां बिटवीन टू पॉपुलेशन है, अगर प्लस प्लस है तो भी पॉजिटिव है, प्लस जीरो है तो भी पॉजिटिव है, क्योंकि किसी को हार्म नहीं है। लेकिन अगर प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, माइनस माइनस है, ये नेगेटिव इंटरेक्शन है, या माइनस जीरो है तो भी नेगेटिव इंटरेक्शन है, किसी एक को भी अगर हार्म हो रहा है, कोई एक भी अगर एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, डेट्रीमेंटल है किसी एक के लिए, एक ऑर्गेनिज्म के लिए भी, तो वो क्या होती है? नेगेटिव इंटरेक्शंस होती है। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है बेटा जी कि देन द पॉपुलेशन इंटरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाई प्लस माइनस रेफर्स टू, प्लस माइनस की यहाँ पर कौन सी है? तो आपको ही पता है कि अमेंसलिज्म तो माइनस जीरो है, अच्छे से आप जानते हैं, और जो कमेंसलिज्म है सहभोजिता, तो वो प्लस और जीरो, वन गेट बेनिफिट अनदर अनअफेक्टेड है। और आप समझ पा रहे हैं कि ये पैरासिटिज्म प्लस माइनस है, और जो म्यूचुअलिज्म है वो तो प्लस प्लस है, और वहां तो 100% इसेंशियल रिलेशनशिप है, कोइवोल्यूशन है म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशन है म्यूचुअलिज्म। क्लियर? तो प्लस प्लस है, प्लस जीरो है, ये दोनों पॉजिटिव है वैसे, और यहां माइनस जीरो है, ये प्लस माइनस है पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म आप समझ सकते हैं कि प्लस माइनस है, तो इसमें जो पैरासाइट होता है ऑलवेज स्मॉल होता है पैरासाइट होस्ट के कंपेरेटिव, और ये होस्ट होता है, तो होस्ट पे माइनस और उस पे प्लस पैरासाइट पे। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? एज पिरामिड बायोम, गलत है। आपको अच्छे से पता है बेटा कि एज पिरामिड पॉपुलेशन में फॉर्म होते हैं, एज पिरामिड, क्योंकि एक पॉपुलेशन में, या जैसे अपने एक अपनी फैमिली की बात करें तो एक एज के मेंबर नहीं है, थ्री टाइप के मेंबर वहां पर हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, क्लियर, जनन पूर्व प्री रिप्रोडक्टिव, फिर आपका होता है रिप्रोडक्टिव जो जनन समय उसमें रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिर आपका होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्लियर? पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो आप समझ रहे हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। अगर आप बेस रीजन पे अपने प्री रिप्रोडक्टिव को रखते हैं और अरेंज करते हैं इनको, तो एज पिरामिड आपको ऑप्टेन होते हैं। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है, फिर रिप्रोडक्टिव, और फिर आप मॉडरेट, और फिर आपका पोस्ट सबसे कम है लिस्ट। तो आप समझ रहे हैं कि ट्रायंगल शेप आएगा, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन आएगा। अगर प्री रिप्रोडक्टिव इक्वल है तो स्टेबल आएगा पॉपुलेशन। क्लियर? और अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम हो गए तो डिक्लाइनिंग पोजीशन आ जाएगी। लेकिन ये जो इससे आपके एज पिरामिड ऑप्टेन होते हैं जो पॉपुलेशन में, इनको अगर अपन अरेंज करते एज पिरामिड होते हैं, तो पॉपुलेशन का कैरेक्टर है ये, यहाँ पे रॉन्ग है बायोम नहीं, यहाँ पे होगा पॉपुलेशन। क्लियर? तो आप समझ रहे हैं कि आपसे करेक्टली मैच पूछा था, रॉन्गली मैच्ड हो गया। तो
फिर देखो सारे क्वेश्चन कर लो, फिर पार्थेनियम हिस्टेरोपोरस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, सही बात है क्योंकि एलियन स्पीसीज है, क्लियर। और आप समझ रहे हैं कि जो विदेशी जातियों का बाहरी जातियों का आक्रमण से वो भी लॉस बायोडाइवर्सिटी लॉस का ही कारण है ना, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, क्लियर। तो ये करेक्ट है। स्ट्रेटिफिकेशन आपको अच्छे से पता है कि स्ट्रेटिफिकेशन कम्युनिटी का कैरेक्टर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ भी है कि समुदाय का लक्षण है स्ट्रेटिफिकेशन, स्तर विन्यास भी आगे अपन बताएंगे भी, क्लियर। और एरेनकाइमा ओपेंसिया, एरेनकाइमा पॉसिबल नहीं है, एक्वेटिक प्लांट में होता है तो ओपेंसिया में स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है एरेनकाइमा, यस और नो? तो ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आप अच्छे समझे स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेटेड बाय, इस पर दी अनैतता के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको भी अच्छे से बताया था प्रिंसिपल कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल थे जीएफ गोसी ने भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, एस इंपोर्टेड इन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑप्टेंड फैन, लॉजिस्टिक वृद्धि में अनंत स्पर्शी का प्राप्त होता है, तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि भाई अनंत स्पर्शी यहां पर ये लैग फेज होती है, फिर लॉग फेज में पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और ये स्टेशनरी फेज आ जाती है, क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि ये कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर, क्लियर। तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस या नेचर का जो कंट्रोल आता है, तो अपन कहते हैं भी dN अपॉन dt बराबर rN और k माइनस n बाई के, यस आप अच्छे से जानते हैं। अब आप कहते हो कि जब क्या हो जाए, k और n इक्वल हो जाए, मतलब यूनिट हो जाए, तो k अपन कहते हैं 1 माइनस n बाई के बताया था, अगर इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्लियर। तो अकाउंट दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो आप भी समझ सकते हैं कि माइकोराइजा क्या है, द क्लोज एसोसिएशन बिटवीन फंगल हाइपी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। तो जो पाइनस प्लांट है, पाइनस का जो मेन रूट सिस्टम होता है टैप रूट सिस्टम, और यहाँ पे ऐसे फंगल हाइपी हैं जैसे एक्टोमाइकोराइजा या जो वैम में एंडोमाइकोराइजा, ये एक्टोमाइकोराइजा, क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्लोजली एसोसिएशन है, सिम्बायोसिस है, क्लियर, बिटवीन फंगल हाइपी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। और आप समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशन है, ये इसेंशियल है, और ये लॉन्ग टाइम तक ऐसा अकॉर्डिंग इवोल्यूशनरी लॉन्ग टाइम तक ऐसा ट्राई करेंगे, ऐसा मेंटेन करेंगे कि ये रिलेशन मेंटेन रहे लॉन्ग टाइम तक। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ दोनों को ही एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट है, तो ये म्यूचुअलिज्म है, क्या है बताओ, म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म है, क्लियर। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर एंड सो विविपेरी बिलोंग टू, विशिष्ट श्वसन मूलों को उत्पन्न करने वाले तथा सजीव प्रतिता दर्शाने वाले निमित्त में किससे संबंध है, ये मोर्फोलॉजी क्वेश्चन आपको महापुर में आपने बता दिया कि जो न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर जिनमें होती है वो होती है मैंग्रोव वेजिटेशन जो मार्सी रीजन में ग्रो करते हैं, और वो आप जानते हो कि हेलाइन एरिया होता है तो वो आपके होते हैं हेलोफाइट्स, और वो विविपेरी कैसे शो करते हैं, क्योंकि दलदल में वो ग्रो करते हैं स्वैम्पी एरिया में, तो वो प्लांट क्या करते हैं कि जो भी वहाँ पर फ्लावर है फिर फ्रूट है, तो सीड जो फॉर्म होता है उसको अगर डायरेक्ट दलदल में गिर जाएगा तो जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसको, तो फ्रूट के अंदर ही वो इंस्टीट्यूट जर्मिनेट हो जाता है, और आप समझ सकते हो कि जो न्यू सीडलिंग है प्लांटलेट है वो ट्रांसफर होता है दलदल में, तो उसको आप कहते हो फिर विविपेरी, यस और नो? तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निकेज, तो मैंने आपको बताया था कि निके क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए निके क्या है, तो निके आप समझ सकते हैं कि इवन कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में सर्वाइव करता है उसमें उस ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल रोल होता है, फंक्शनल रोल नेचर में जो उसका फंक्शनल रोल होता है वो किस टाइप के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपन कहते हैं निके। अब अपन बात करते हैं इवन कोई दो ऑर्गेनिज्म है चाहे वो सेम पॉपुलेशन डिफरेंट पॉपुलेशन के, उनका हैबिटेट, हैबिटेट सेम हो सकता है, क्लियर, लेकिन निके सेम नहीं है, क्लियर। जैसे अपन बात करते हैं कि डियर पॉपुलेशन, हिरण पॉपुलेशन है या फिर अदर अपना गोट है, बकरियां है या जो भी है, अगर वो हर्बिवोरस है दोनों, क्लियर, तो फंक्शन रोल हर्बिवोरस हो गया ना। फंक्शन रोल का मतलब कि प्रोड्यूसर है वो, आप समझ रहे हैं कि हर्बिवोरस है, कंज्यूमर हर्बिवोरस है,
प्राइमरी कार्निवोरस है या टॉप कार्निवोरस है, ये फंक्शन रोल होता है। अब जैसे मैं अब इवन आपसे बात करता हूं कि कोई एक ट्री है, क्लियर, और लार्ज कैनोपी ट्री है, इस पे दो बर्ड स्पीसीज है, बर्ड स्पीसीज फर्स्ट और ये बर्ड स्पीसीज सेकंड, तो आप समझ रहे हैं कि इन दो जातियों का हैबिटेट सेम हो गया, एक ही ट्री पे वो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन दोनों का निके अलग अलग होगा। एक मान लो जैसे इंसेक्ट को खा रहा है तो दूसरा फ्रूट्स या सीड, फ्रूट सीड को खा रहा है, तो ये ट्रॉफिक लेवल T2 को रिप्रेजेंट करेगा, ट्रॉफिक लेवल T3 को, हर्बीवोरस होगा कार्निवोरस होगा, तो फंक्शन रोल डिफरेंट हो गया ना। इट मीन नेचर में कोई भी दो ऑर्गेनिज्म का फंक्शन रोल सेम नहीं हो सकता है एक जगह पे, या रिसोर्स यूटिलाइजेशन सेम नहीं हो सकता है, तो वो आपका क्या होगा नीचे। तो आप कह रहे हो द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट ऑर्गेनिज्म नीड टू लाइव, ये तो पश्चिम तापमान का वह जीवन को जीने के लिए, द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, 100% करेक्ट हो गया। द फिजिकल स्पेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकेंड, क्लियर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नेटलिटी रेफर्स, नेटलिटी से क्या अभिप्राय, अभी मैंने शुरू में बताई दिया आपको कि नेटलिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, बर्थ रेट को, पर कैपिटा बर्थ, बर्थ रेट, और मोर्टलिटी डेथ रेट को, तो नेटलिटी किसको, बर्थ रेट को, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन ए ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, एक देश की बढ़ती हुई जनसंख्या में, आप समझ रहे कि अगर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, तो मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि जो थ्री टाइप के एज मेंबर के जो मेंबर्स आपके होते हैं एज ग्रुप के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्री रिप्रोडक्टिव, अगर प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा है, उसके बाद में है रिप्रोडक्टिव, उसके बाद में है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो आप समझ रहे हैं कि ये पॉपुलेशन का होगा, तो प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है मैक्सिमम, या जो मोस्ट ऑफ नंबर है प्री रिप्रोडक्टिव हो गया, क्लियर। फिर रिप्रोडक्टिव मॉडरेट फॉर्म में है, क्लियर, और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है, क्लियर। तो ये कैसा आ गया, ट्रायंगल शेप, तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी, तो आपके सामने है कि, और यही कंसेप्ट है, अगर प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है मैक्सिमम है तो गारंटीड है एक्सपेंडिंग होगी, और प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा, फिर मॉडरेट आपके रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम, और अगर दोनों इक्वल है प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव, तो स्टेबल जो आप कहते हो बेल सेफ, या फिर अर्न सेफ, आपका डिक्लाइनिंग में जाएंगे अपन, तो एक्सपेंडिंग होगी, ट्रायंगल सेफ होगा, तो रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर इक्वल इन नंबर, जनन सम जनन पूर्व व्यष्टि संख्या में बराबर होते हैं नहीं, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन, पॉसिबल ही नहीं है, और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये भी पॉसिबल नहीं है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, तो करेक्ट आंसर 4, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, तो आप भी समझ सकते हैं कि जो एंटीबायोसिस होती है, एंटीबायोसिस, तो वहां पर आप देखते हो बेटा जी कि -0 इंटरेक्शन है। जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि पेनिसिलियम एक फंजाई है, पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम एक फंजाई है, और ये सिक्रेट करता है केमिकल, एक एंटीबायोटिक सिक्रेट करता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, और आप समझ सकते हैं कि इट किल्ड मैनी बैक्टीरिया, क्लियर, तो किल्ड मैनी बैक्टीरिया। अब आप यहां ध्यान दे बेटा जी कि बैक्टीरिया पे माइनस होगा और पेनिसिलिन जो फंजाई वहां क्या 0, ऐसे ही क्लोरेला क्लोरेलिन करता ही है, क्लियर, और प्लांट में जो एलोपैथी होती है वो है ही, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये इंट्रैक्शन क्या हो गई, जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन की जो होती है अमेंसलिज्म, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से सम्मिलित कीजिए, तो आप समझ पा रहे हैं बेटा जी यहां पर सीधी सी बात है कि जो सेप्रोफाइट है मृत जीवी, तो यहां पर सीधी सी बात आ जाएगी कि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, तो वो ओस्मोट्रोफ होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं जो डेट्रिटस पर डिपेंड होते हैं, फिर आपका हो जाएगा पैरासाइट, तो लिविंग ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल, पैरासाइट होस्ट प्लांट या एनिमल पे रहता है, फिर आपकी बात आ जाएगी लाइकेन, तो लाइकेन
सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एलिगेंट फंजाई और माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई और हायर प्लांट रूट, और यहाँ पर भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एलिगेंट फंजाई, तो ये तो म्यूचुअलिज्म ही है, क्लियर। अब आप देख लें इसके अकॉर्डिंग कि ए में सेकेंड बी में आपका थर्ड, तो ए में सेकेंड, बी में थर्ड, सी में फोर और डी में फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू आंसर विल बी सेकेंड, क्लियर। तो आप समझ पा रहे हैं इसको। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर द्वितीयक उत्पाद तक किसके द्वारा नए कार्बन पदार्थ बनाने की दर है। बेटा जी आप अच्छे से जानते हैं कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है पर यूनिट टाइम में जो ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज प्रोसेस होता है, यानी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके लेवल पे है, प्रोड्यूसर लेवल पे, किस लेवल पे है, प्रोड्यूसर, क्लियर, प्रोड्यूसर लेवल पे है। और प्रोड्यूसर के लेवल पे प्राइमरी प्रोडक्ट टू टाइप की होती है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी और एनपीपी। आप जानते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पर यूनिट टाइम में जो टोटल CO2 फिक्सेशन होता है, टोटल सोलर रेडिएशन फिक्सेशन होता है, टोटल फोटोसिंथेसिस होता है, दैट इज जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्लियर। और उसका अपन यूनिट भी देते हैं, जो अपन यूनिट उसका अपन बताते हैं किलो कैलोरीमीटर स्क्वायर, आप जानते हैं किलो कैलोरीमीटर स्क्वायर इनवर्स और ईयर इनवर्स क्या आप उसको कहते हो, यस। अब आप समझ पा रहे हैं कि यहां से आप सीधा सेकेंडरी, फिर आप जानते हो कि इसमें इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो हर्बीवोरस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आप जानते हो जैसे सेलुलोज, उनको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी उन्हीं में होती है, तो वो ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक न्यू ऑर्गेनिक सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर होते हैं, तो वो आपके होते हैं कंज्यूमर, क्लियर। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 21 Which one of the following processes during decomposition is correctly described? अपघटन के दौरान घटित होने वाली कौन सी प्रक्रिया का सही वर्णन किया गया है? तो स्टूडेंट ध्यान दें, डीकम्पोजिशन के अंदर जो आपके स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेगमेंटेशन, जो डेट्रीवर्स करता है, यानी जो डेट्राइट्स होता है, डेट्राइट्स का मीन क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेट्रिटस, क्लियर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, अब डेड एनिमल बॉडी या फिर डेड प्लांट पार्ट, लीफ स्टेम या कोई भी प्लांट पार्ट, तो वो या और जो एनिमल्स का एक्सेट्री मटेरियल होता है उसके साथ डेट्रिटस हो गया। अब इस डेट्रिटस को फ्रेगमेंटेटेड करना ताकि अपने मात्र विखंडित कार्बन पदार्थ जो सरफेस एरिया बढ़ जाए, तो वो तो होता डेट्रीवर्स के द्वारा फ्रेगमेंटेशन। फिर आप जानते हो जब फ्रेगमेंटेड हो जाता है, कुछ उसमें जो वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक भी होता है, पहले से जो डिकम्पोजन उसमें इनऑर्गेनिक, तो जैसे मान लो रेनफॉल री होता है तो लीचिंग प्रोसेस डीप लेयर्स में चले जाते हैं। फिर कैटाबोलिज्म मेन प्रोसेस है, जहां बैक्टीरिया फंजाई काम करता है, वहां वो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में चेंज करता है, वहां ऑटो रिक्वायर्ड होती है कैटाबोलिज्म में। एंड देन आप जानते हैं कि जो डार्क कलर्ड सबस्टांस फॉर्म होता है ह्यूमस एंड मिनरल जो रिलीज होते हैं मिनरलाइजेशन, तो वो जो प्रोसेसेस चलती हैं। अब आप ध्यान दें, अकॉर्डिंग ऑप्शन फर्स्ट कैटाबोलिज्म द लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन अंडर फुली एनारोबिक, तो पहली बात तो लास्ट स्टेप नहीं है और फुली एनारोबिक नहीं है, एरोबिक कंडीशन में होती है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। लीचिंग वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट राइज टू द टॉप लेयर्स ऑफ सॉइल, निक्षालन जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक मृदा की ऊपरी परतों में नहीं, ये गलत हो गया, टॉप लेयर्स में, वो तो डीप लेयर्स में चले जाते हैं, क्लियर। फिर आप कहते हो कि फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाई ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म, ये बिल्कुल सही है, जो फर्स्ट स्टेप है नहीं फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन किसके थ्रू होता है, अर्थवर्म डेट्रीवर्स के थ्रू, क्लियर, तो ये करेक्ट आंसर है। फिर आपका ह्यूमिफिकेशन लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर्ड सबस्टांस ह्यूमस, ये 100 यहां तक सही है, बट विच अंडरगो माइक्रोबियल एक्शन एट वेरी फास्ट, ये रॉन्ग हो गया, स्लो रेट के साथ होता है, क्लियर, और एमोरफस मटेरियल होता है, क्लियर, तो ये रॉन्ग हो गया, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो बेटा ध्यान दें, देखो वो ऐसे ही अर्थवर्म जो केंचुआ है, अर्थवर्म वो डेट्रीवर्स, अभी बताया था आपको कि डेट्रिटस पे
वर्क करता है तो डेट रिवर्स। और सक्सेशन, तुम जानते हो कि सक्सेशन में जो प्राइमरी सक्सेशन होता है उसमें तो बेर रोक पे सबसे पहले जो पाइनियर स्पीसीज आती हैं, तो सक्सेशन ये पाइनियर स्पीसीज हो गया, क्लियर। और इकोसिस्टम सर्विस पोलिनेशन, आप जानते हो कि इकोसिस्टम में तीन सर्विसेज आएंगी, आगे अपन बात करेंगे। ब्रॉडली यूटिलेरियन, जिनका कोई मूल्य नहीं होता है, व्यापक उपयोगितावादी सेवाएं, जैसे पोलिनेशन परागण है, एयर को प्योर कर रहे हैं, क्लाइमेट रेगुलेशन है, क्लियर। और एक होती है नैरो यूटिलेरियन, मतलब जो संकीर्ण, जैसे अपन को डायरेक्ट जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट मिलते हैं, क्लियर। तो वो इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं, तो पोलिनेशन हो गई, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी नेट नेटलिटी हो गया, क्लियर। तो अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन आप देखो, देखो ए में आपका क्या हो गया, सेकंड, ए में सेकंड का एक ही ऑप्शन है, फोर। फिर देखो बी में फर्स्ट हो गया, और सी में फोर हो गया, और डी में थर्ड। अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन आंसर विल बी फोर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट, तो ध्यान दें, इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पिकॉक एज फूड इन द फॉलोइंग चेन, प्लांट, माइस, स्नैक, पिकॉक। तो स्टूडेंट आप ध्यान दें, अकॉर्डिंग रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10%, आपको पता है जब हम पिरामिड में भी पढ़ेंगे कि सन सोलर रेडिएशन से ओनली 1% आपको लेना है, सोलर रेडिएशन से कितना लेना है, 1%। जैसे आपको पिरामिड फॉर्म कर रखा है जिसमें फूड चेन को शो कर रखा है, यहाँ सोलर रेडिएशन मान लो कि 10 लाख जूल है, 10 लाख जूल, तो ओनली 1% यानी 10,000, ये ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पे, यानी जो हर्बीवर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं उस पे। फिर आप समझ सकते हो ओनली 10% रूल फॉलो करना है, 1000, फिर आप समझ सकते हो 100, फिर आप समझ सकते हो 10, क्लियर। तो ऐसे ही यहां पर भी आपको एक फूड चेन दे रखी है, प्लांट बोले तो प्रोड्यूसर बेटा जी, क्लियर। अब यहां तो सीधा ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट दे दिया, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, और ट्रॉफिक लेवल्स में जो ये ट्रॉफिक लेवल है T1, T2, T3, T4, जैसे ये एग्जाम्पल है, वैसे ट्रॉफिक लेवल में रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10% आपको यूज करना है, रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10%। तो रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10% आपको यूज करना है। तो यहां पर देखो प्लांट प्रोड्यूसर, प्लांट के बाद क्या है माइस, और माइस के बाद क्या है स्नैक, और स्नैक के बाद क्या है पिकॉक, क्लियर। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहां भी इकोलॉजिकल 10% रूल आपको फॉलो करना है। अब आपको प्लांट पे कितना बता रखा है, प्रोड्यूसर पे, प्रोड्यूसर टी1 पे कितना है 20 जूल बता रखा है, तो 20 जूल का माइस पे कितना हो जाएगा 2, स्नैक पे कितना हो जाएगा 0.2 और 0.02, क्लियर। जैसे यहां पर 20 है तो यहां 2, यहां 0.2, यहां 0.02, यस। अकॉर्डिंग रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10% आंसर विल बी फर्स्ट, यस स्टूडेंट। ध्यान दे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, गिवन बिलो इज सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ फॉस्फोरस साइक्लिंग इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विथ 4 blanks A to D, आइडेंटिफाई द ब्लैंक्स। बेटा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोर चक्र का सरलीकृत आपको मॉडल दिया गया है, और ए से डी आपको कुछ ब्लैंक छोड़े गए हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, बायो जियो केमिकल साइकिल, बायो लिविंग प्लांट और एनिमल, जियो जो आपका अर्थ कष्ट है, केमिकल जो एलिमेंट है, तो बायो जियो केमिकल साइकिल 2 टाइप के होते हैं, गैसेस साइकिल जिनका रेजोवियर एटमोस्फियर होता है, एंड सेडिमेंटरी साइकिल जिनका रेजोवियर रॉक्स होती हैं, क्लियर। तो फॉस्फोरस इज ए सेडिमेंटरी साइकिल, तो रेजोवियर क्या हो गया रॉक्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल रॉक की क्या होगी विदरिंग, तो ये यहां पे आपका रॉक हो गया, रॉक यानी चट्टान, क्लियर। अब इस रॉक की क्या होगी विदरिंग प्रोसेस होगा, अपक्षय होगा, क्लियर। विदरिंग प्रोसेस के थ्रू आप जानते हैं कि सोइल फॉर्मेशन होता है। अब विदरिंग प्रोसेस होता है रॉक में, फॉस्फोरस किस फॉर्म में है, फॉस्फेट, क्लियर। और ये सोइल सोल्यूशन आपका हो गया, सोइल सोल्यूशन जिसमें फॉस्फेट चला गया। अब यहां से प्लांट ने रूट के थ्रू, बाय रूट्स प्लांट ने क्या क्या अपटेक किया, तो ये यहां पर कौन है प्रोड्यूसर या प्लांट बायोमास, प्रोड्यूसर या प्लांट बायोमास। यहां से कंज्यूमर जो एनिमल बायोमास है, एनिमल बायोमास, क्लियर। अब आप जानते हैं कोई भी एनिमल अगर डेड हुआ, एनिमल की डेथ हुई और प्लांट का कोई भी पार्ट, लीफ स्टेम जो लेटर फॉल हुआ, क्लियर, तो लेटर फॉल हुआ तो ये आपका बन गया डेट्रिटस यानी डेड जो मेटेरियल है, क्लियर। अब यहां पर फॉस्फेट
सोल्यूबल बैक्टीरिया है, फॉस्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया, जो वापस डिकम्पोज करके सोयल में डेड बायोमास को डिकम्पोज कर सोयल सोल्यूशन में। अब अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ सकते हैं कि जो आपको ए पॉइंट दे रखा है वहाँ डेट्रिटस दे रखा है, तो यहाँ ऑप्शन ए पॉइंट पे डेट्रिटस, थर्ड ऑप्शन में ही रॉक मिनरल लेटरफॉल और डेट्रिटस प्रोड्यूसर, तो ए थर्ड ऑप्शन में ही है। इसके बाद देखो बी देखो तो रॉक मिनरल हो गया बी, फिर देखो सी देखो तो सी आप देखो प्रोड्यूसर हो गया, और डी आप देखो वो डेट्रिटस आपको दे रहा था। अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन आंसर विल बी थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25, स्टैंडिंग क्रॉप इज, खड़ी फसल क्या होती है? तो स्टूडेंट आप ध्यान दें कि स्टैंडिंग क्रॉप किसी इवन ए ट्रॉपिक लेवल पे मान लो, चाहे कंप्लीट इकोसिस्टम मान लो, जो लिविंग बायोमास है, प्लांट एनिमल जो भी लिविंग लिविंग बायोमास है या नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब आप जानते फ्रेश और ड्राइड जो लिविंग बायोमास है दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। क्लियर। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहां पर मिनरल न्यूट्रिशन सोयल ये तो स्टैंडिंग स्टेट होती है, फिर आप जानते डेट्रिटस ये तो डेड की बात होगी, टिम्बर ऑफ कमर्शियल वैल्यू नहीं नहीं मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर एरिया, मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, थोड़ा ध्यान दें, इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टर्म्ड एज, एक पारितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर को आप क्या कहोगे? तो आप समझ सकते हो कि ये ओनली एंड ओनली जो प्लांट्स हैं, प्लांट हैं ग्रास या जो ट्रीज हैं प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इन्हीं में सोलर रेडिएशन को एंट्रैप करने की कैपेसिटी होती है, ये सोलर रेडिएशन को एंट्रैप्ट करते हैं। टोटल सोलर रेडिएशन का लेस देन 50% आपका होता है पार फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन। क्लियर। पार फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन लेस देन 50%, उसका 2-10% ये एंट्रैप करते हैं। ये पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में, प्रति यूनिट प्रति समय में ये जो टोटल सोलर रेडिएशन का फिक्सेशन करते हैं या टोटल फोटोसिंथेसिस करते हैं उसकी जो रेट है उसको आप कहते हो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो टाइप की होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज टोटल फोटोसिंथेसिस, टोटल जो फिक्सेशन रेट है GPP, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और सेकेंड इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट मीन जो टोटल फोटोसिंथेसिस किया वो है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP, टोटल फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद में उसमें से जो रेस्पिरेशन में कंज्यूम कर लिया तो GPP माइनस है, जो अपने रेस्पिरेशन कंज्यूम करने बाद GPP माइनस R बराबर क्या होता है NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बट आपसे यहाँ से पूछा कि पारितंत्र में प्रकाश के दौरान कार्बन पदार्थ उत्पादन की दर, जो CO2 फिक्सेशन की रेट है ड्यूरिंग टोटल फोटोसिंथेसिस, तो वो आपका क्या होगा GPP, नेट प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादकता। और आप वहाँ अच्छे से जानते हैं कि किलो कैलोरी बटा मीटर स्क्वायर ईयर, तो आप समझ सकते हैं कि किलो कैलोरी मीटर इनवर्स ईयर इनवर्स, जो आपका फॉर्मूला भी उसके लिए होता है। क्लियर। तो ये आपकी बात होगी क्वेश्चन नंबर 26 की, है ना स्टूडेंट। तो बहुत अच्छे से वहाँ से आप पहले प्रोडक्टिविटी पढ़ें, प्रोडक्शन पढ़ें, फिर आपकी प्रोडक्टिविटी है, फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टू टाइप की है GPP एंड NPP, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और NPP और GPP माइनस R, फिर जो अवेलेबल बायोमास है दैट इज NPP फॉर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल या फॉर हेटरोट्रॉफ्स। क्लियर। फिर जो कंज्यूमर पे, जो हर्बिवोर्स पे आपकी होती है कंज्यूमर लेवल पे, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। क्लियर। और उसको बताओ तो ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक की, बाकी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक ओनली प्रोड्यूसर में कैपेसिटी होती है। क्लियर। तो वो पैराग्राफ आप NCERT में पूरा क्लियर करें। क्लियर। अब आप समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, तो स्टूडेंट ध्यान दें, सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस ऑन इन, द्वितीयक अनुक्रमण कहां होता है? देखो स्टूडेंट मैं आपको समझा दूं, देर आर टू टाइप ऑफ सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन वहां होगा बेर एरिया, सीधी बात एक ही चीज सुना, नग्न क्षेत्र जहां पहले से कोई टाइप का ऑर्गेनिक मैटर, कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं हो, कार्बनिक पदार्थ नहीं हो, वो आपका होता है बेर एरिया, वहां होता है प्राइमरी सक्सेशन। अब
एकदम बेर रॉक नग्न चट्टान न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड नवनिर्मित तालाब और जो ज्वालामुखी होती है वॉल्केनिक एरप्शन होता है उसे तुरंत ठंडा हुआ लावा क्लियर वो तो आपके होते हैं वहां होता है प्राइमरी सक्सेशन। इसके अलावा और वहां सोइल फॉर्मेशन में थाउजेंड ईयर लग जाते हैं तो वो स्लो होता है वो। अब आप सेकेंडरी की बात करें भाई पहले से ऑर्गेनिक मैटर है लेकिन कोई कारणवश मान लो कि वो डिस्ट्रॉय हो गया क्लियर तो आप समझ रहे कि ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल था लेकिन डिस्ट्रॉय हो गया जैसे जंगल में आग लग गई तो कट एंड फायर फॉरेस्ट है क्लियर। ऐसे अपन कहें कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है क्लियर तो ये जो एरिया होते हैं तो वहां पर सोइल तो है तो वो थोड़ा फास्ट होता है। तो यहां आपकी बात हो जाएगी कि सेकेंडरी सक्शन टैक प्लस इन तो न्यूली कूल्ड लावा या तो आप समझ रहे हैं कि भी प्राइमरी होता है बेर रॉक प्राइमरी होता है डिग्रेडेड फॉरेस्ट तो ये कट एंड फायर फॉरेस्ट या अवक्रमित वन तो यहां पर आपके क्या होता है सेकेंडरी क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर था क्लियर और न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड यहां भी प्राइमरी होता है तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड क्लियर। और आप बेटा बहुत अच्छे से वहां पर समझे कि प्राइमरी सक्सेशन वहां स्टार्ट होगा जहां पहले से कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं हो और सेकेंडरी वहां होगा जहां ऑर्गेनिक मैटर है लेकिन कोई भी जो नेचुरल फिनोमिना हुआ इवेंट हुई और वो खत्म हो गया नष्ट हो गया फिर वापस स्टार्ट हो गया वहां पर सक्सेशन क्लियर। जनरली जो अकॉर्डिंग अपन ने देखा वो प्राइमरी सक्सेशन की बात करते हैं अपन क्लियर। ये फिर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 तो स्टूडेंट ध्यान दें बहुत अच्छा क्वेश्चन रिपीट आया बार बार। द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए ट्रॉफिक लेवल एंड एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एक निश्चित समय में एक पोषण स्तर पर जीवित पदार्थ के द्रव्यमान को आप क्या कहेंगे। तो भाई द लिविंग बायोमास एट ए ट्रॉफिक लेवल एट पर्टिकुलर टाइम बोल दो या इन इकोसिस्टम एट पर्टिकुलर टाइम जो सभी ट्रॉफिक लेवल पे T1, T2, T4 पे या पर्टिकुलर एक जैसे एक एक्वेटिक फूड चेन लो तो एक्वेटिक फूड चेन लो तो फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन क्लियर T1 ट्रॉफिक लेवल फिर आप समझ सकते हो कि जू प्लैंक्टन कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल T2 फिर आप समझते स्मॉल फिश ट्रॉफिक लेवल T3 फिर आप जानते हो लार्ज फिश ट्रॉफिक लेवल T4 तो ये पर्टिकुलर एट ए टाइम पर्टिकुलर पे ये इसका फाइटोप्लैंक्टन का लिविंग बायोमास इसकी स्टैंडिंग क्रॉप हो गई। अब आप जानते हो कि फाइटोप्लैंक्टन की स्टैंडिंग क्रॉप जू प्लैंक्टन के कंपैरिजन में कम होती है तो आप जानते हो कि जो सी होता है या लार्ज पॉन्ड होता है या फिर ओशियन होते हैं सी होता है वहां पर जो बायोमास का पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड आता है। फिर भी ये इनका लाइफ स्पान शॉर्ट होता है और बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा होता है तो इसकी रिक्वायरमेंट ये कंप्लीट कर पाते हैं फुलफिल कर पाते हैं यस। अब बेटा जी आप जानते हो कि भी ट्रॉफिक लेवल पर जो लिविंग बायोमास है फ्रेश और ड्राई वेट मोर अप्राइट आपका ड्राई वेट या नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप और वो लिविंग टू लिविंग फ्लो करती है। डेथ होने के बाद में डेट्रिटस हो गया और डेट्रिटस पर डिकम्पोजर वर्क करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं तो पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में जो न्यूट्रिएंट हैं इन और न्यूट्रिएंट हैं दैट इज स्टैंडिंग स्टेट वो नॉन लिविंग से सोइल से प्लांट में अपटेक हो सकती है बट स्टैंडिंग क्रॉप लिविंग टू लिविंग चलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ओलंपियाड का भी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन स्टैंडिंग क्रॉप हो गया यस और नो और ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं हो गया स्टैंडिंग स्टेट नहीं हुआ और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं हुआ यस और नो तो ये आप समझ सकते हैं अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 तो ध्यान दें स्टूडेंट्स वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन ए बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज जैव समुदाय में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न जातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है। जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैंने आपसे स्टूडेंट पहले भी कहा था कि जो सक्सेशन होता है जो डोमिनेंस होता है जो आप समझ सकते हो कि डाइवर्सिटी होती है क्योंकि डिफरेंट पॉपुलेशन बायोटिक कम्युनिटी को होम करती है उनमें जो इंट्रैक्शन है तो मोर इंट्रैक्शन मोर स्टेबिलिटी और सक्सेशन और स्ट्रेटिफिकेशन दैट आर द प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिटी यस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। तो आप जानते हो जो ट्रॉफिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉफिकल रेन फॉरेस्ट में आप अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट कि ट्रॉफिकल रेन फॉरेस्ट बहुत डेंस होते हैं सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी इस अर्थ की ट्रॉफिकल रेन फॉरेस्ट की है TRF की।
तो वहां पर क्या होता है कि ऑप्टिमम सनलाइट के लिए डिफरेंट लेवल पे अरेंज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पे फर, फिर उसके बाद आप जानते हो कि हर्ब है, और फिर आप जानते हो कि सर्ब है, और ऐसे आप समझ सकते हो कि लेवल बढ़ते बढ़ते, मैं वापस से बताता हूँ कि जैसे फर्स्ट ऑफ लेवल फर, ये लेवल हो गया, फिर हर्ब है, क्लियर, और फिर सर्ब है, फिर मिडिल टॉल ट्री है, और फिर लार्ज ट्री है जहाँ पर आप जानते हैं कि लिनास होती हैं, यस। तो ये डिफरेंट हाइट के जो है, दैट इज वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, और वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया थर्ड, स्ट्रेटिफिकेशन। बाकी पिरामिड नहीं हो सकता, डाइवर्जेंस नहीं हो सकता, जोनेशन नहीं हो सकता है, क्लियर है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन इज, एक ही प्रयास में रह रही विभिन्न स्पीसीज की वेस्टियों की पारस्परिक संबंध और क्रियात्मक क्रिया क्या कहलाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान दें बेटा, फर्स्ट चैप्टर में आप यानी जो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में आप देखते हो फर्स्ट ऑफ ऑल की जो इकोलॉजिकल हायरार्की है, इकोलॉजिकल हायरार्की में आप समझ सकते हो कि ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जो इंडिविजुअल होता है, क्लियर, इंडिविजुअल होता है। अब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके अपनी स्पेशल पॉपुलेशन की बात, तो ये आपका हो गया पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या होता है कि पर्टिकुलर एरिया में जो सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इंटरब्रीड भी कर सके, कैन बी इंटरब्रीड, वो आपके हो गए पॉपुलेशन। फिर आप जानते हो कि पॉपुलेशन के बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट आइए आपके बात आ गई बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी का मीन होता है बेटा कि पर्टिकुलर एरिया में जैविक समुदाय क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया में जितने भी टाइप की जो डिफरेंट पॉपुलेशन है, ए बी सी पॉपुलेशन एंड देयर इंट्रैक्शंस, तो यहाँ पर बायोटिक, एक लिविंग को अदर लिविंग भी अफेक्ट, या एक लिविंग पर अदर लिविंग का इम्पैक्ट भी होता है और एनवायरमेंटल फैक्टर का भी इम्पैक्ट होता है। तो बायोटिक कम्युनिटी में लिविंग अदर लिविंग से इम्पैक्ट डालता है, जैसे प्रीडेशन होता है, पैरासिटिज्म होती है, कॉम्पिटिशन होता है, जो इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस होती हैं। तो ए पर्टिकुलर एरिया, ये आप समझ सकते हैं बायोटिक किसको रिप्रेजेंट करता है, कि इन ए पर्टिकुलर एरिया वेरियस टाइप ऑफ पॉपुलेशन देयर इंट्रैक्शंस, यस। तो आप समझ रहे हैं कि भी एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, तो डिफरेंट लिविंग इन द सेम हैबिटेट, एक हैबिटेट में हैविंग फंक्शनल इंट्रैक्शंस, उनमें आपस में फंक्शनल इंट्रैक्शन किसको शो करेगी, बायोटिक कम्युनिटी को, क्लियर। जो जो पारस्परिक संबंध है उसको आप क्या कहोगे, बायोटिक कम्युनिटी। और किसी एक स्पीसी का फंक्शन रोल होता है वो निक्की होता है, किसी एक का फंक्शन जो प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है वो निक्की होता है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बायोटिक कम्युनिटी को, यस और नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मोस्ट एनिमल दैट लिव इन डीप ओशन वाटर आर, ज्यादातर जंतु जो गहरे समुद्री पानी में रहते हैं, भाई डीप सी है तो डीप सी में सनलाइट पॉसिबल नहीं, सोलर रेडिएशन का जाना, तो आप भी दिमाग लगाएं कि डीप सी में अगर कोई प्रोड्यूसर हो सकता हो, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। अब आपसे यहाँ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो रेयर केस में होंगे, तो डीप सी में वहां पर ज्यादातर किस टाइप के होंगे, सेप्रोट्रॉप्स होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे। तो आप समझ रहे हैं कि टर्सरी कंज्यूमर, नो, डेट्रीवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, तो किस टाइप के ज्यादा होंगे, डेट्रीवोरस, अप्रतभोजी। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकेंड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन, निम्नलिखित में से किसमें दोनों युग्मों में सही संयोजन है। गैसियस, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि जो बायो जियो केमिकल साइकिल है वो दो टाइप के होते हैं, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। गैसियस साइकिल का रिजर्वियर एटमोस्फियर होता है, सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्वियर रॉक्स होती हैं। गैसियस नाइट्रोजन और कार्बन है, फास्फोरस और सल्फर, जहाँ सल्फर में तो दोनों रोल होता है लेकिन मेनली फास्फोरस, 100% फास्फोरस जो सबसे ज़्यादा मोर एप्रोप्राइट होगा वो फास्फोरस दे सेडिमेंट्री साइकिल, यस। अब आप आ जाएं कि भाई गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल नाइट्रोजन एंड सल्फर, सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट कार्बन, तो ये गलत हो गया 100%, क्लियर, एंड फास्फोरस, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल सल्फर एंड फास्फोरस, पहले ही रॉन्ग हो गया, सेडिमेंट्री कार्बन नाइट्रोजन पॉसिबल ही नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये सही है,
फिर सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल सल्फर एंड फॉस्फोरस 100% करेक्ट है, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। फोर भी गलत है, देखो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल कार्बन तो है लेकिन सल्फर नहीं, सेडिमेंट्री में आएगा ही नहीं नाइट्रोजन, यस तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड, यस है ना बेटा। फिर ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 33, स्टूडेंट ध्यान दें, ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन पारिस्थितिक अनुक्रमण के दौरान, आप भी जानते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर ऑफ ए बायोटिक कम्युनिटी, क्लियर, और आप अच्छे से जानते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो बिल्कुल सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल जो कम्युनिटी चेंजेज होते हैं दैट इज सक्सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अच्छे से जानते हैं कि एक बेर एरिया है, उस बेर एरिया पर पहले से कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्वेडेड फर्स्ट टाइम जो वहां पर पाइनियर के पाइनियर प्लांट के रूप में पाइनियर कम्युनिटी को लाइकेन जैसे जीरो सिरे में, तो आप समझ सकते हैं कि वो पाइनियर्स होते हैं। उसके बाद जो बीच में जो टेम्परेरी कम्युनिटीज हैं सीरल स्टेजेस होती हैं, क्लियर, एक के बाद एक सीरल स्टेजेस एंड द फाइनल आपका होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो आप अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेर एरिया पे अटैक करता है दैट इज इन्वेजन करता है पाइनियर कम्युनिटी, पाइनियर कम्युनिटी, क्लियर। उसके बाद टेम्परेरी जो चलते रहते हैं दैट इज सीरल स्टेजेज, तो दैट इज सीरल स्टेजेज एंड द फाइनल दैट इज क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो म्यूजिक होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऑलवेज म्यूजिक होती है और वो बहुत ही इक्विलिब्रियम में होती है एनवायरमेंट के साथ, आप समझ रहे हैं, और ये कंप्लीट कंडीशन आपकी कहलाती है सीरे, यस। अब देखो द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एनिमल रिमेन कॉन्स्टेंट, पॉसिबल ही नहीं है, जैसे जैसे सक्सेशन होता है बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होता है, डिकम्पोजर का टाइप भी बदलता है, है ना, और मतलब जो डायवर्सिटी इंक्रीज होती है, क्लियर, तो ये गलत हो गया। द चेंज लीड टू ए कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट इज कॉल्ड पाइनियर कम्युनिटी, गलत बात होगी कि द चेंजेज लीड टू कम्युनिटी दैट इज ए नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट के साथ ज्यादा इक्विलिब्रियम में आपकी होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो म्यूजिक होती है, मेजोफाइट्स होती है, फॉरेस्ट होते हैं, यस और नो, क्लियर, तो बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये रॉन्ग हो गया, सेकेंड भी रॉन्ग हो गया। फिर द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेज इन स्पीसीज कंपोजिशन अकर इन ए गिवन एरिया, किसी जाति की संगठन में कार्मिक और पहले से बताए जा सकने वाले परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में होते हैं, क्लियर। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज वेरी फास्ट इन प्राइमरी फेज, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन थर्ड हो गया। और आप जानते हैं कि भी जो सक्सेशन और इवोल्यूशन है वो एक टाइम पे चल सकते थे, लेकिन सक्सेशन और इवोल्यूशन आप समझ सकते हैं कि इवोल्यूशन कंटिन्यूअस सक्सेशन क्लाइमेक्स आते रुक जाता है, और सक्सेशन में पहले पूर्व अनुमान यानी प्राइमरी स्टेज का आप जानते हैं ना, ये आपकी बात आ गई कि ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन अकर इन गिवन एरिया, क्लियर, पहले से बताए जा सकते हैं, बट इवोल्यूशन में ऐसा नहीं होता है, यस, तो अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, स्टूडेंट ध्यान दें, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपियर एज द प्राइमरी ऑर्गेनिज्म ऑन बेर रॉक, वही बात आ गई कि एकदम बेर एरिया है, बिल्कुल बेर एरिया है, बेर रॉक, ये बेर रॉक है, बेर एरिया जहां पहले से कोई भी टाइप का नो एनी ऑर्गेनिक मैटर, कोई टाइप का ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, क्लियर। अब वहां पर अगर फर्स्ट कम्युनिटी अपीयर होती है, इन्वेजन होता है, दैट इज पाइनियर्स, वो पाइनियर कम्युनिटी है, पाइनियर कम्युनिटी, जैसे बेर रॉक पे आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइकेन, और लाइकेन की भी टू स्टेज होती है, क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टोज और फोलियोज, फोलियोज लाइकेन, यस और नो। अब उसके बाद लाइकेन वाई अलोंग विद मॉस पॉलीट्राइकम, फिर आप जानते हैं ऐसे, तो आप जानते हैं कि नगन चट्टान पर एक अग्रामी जीव के रूप में यानी पाइनियर के रूप में कौन आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीवरवर्ट नहीं, मोसेस, मोसेस बाद में आएगा, पॉलीट्राइकम, फिर ग्रीन एल्गी, सबसे पहले आपका आएगा लाइकेन, अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फोर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप यहां प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में अपने डिफरेंस बता दिया, यस, तो देखिए फिर आप देखो नेक्स्ट 35, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइंड बाय, इकोसिस्टम टर्म आप जानते हैं एजी टेंसले ने प्रोवाइड की थी, यस, और फिर इपीडो ओडम ने तो उसकी फिर जो पूरी व्याख्या का एक्सप्लेनेशन किया था, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी अपने कहा था कि जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं बहुत गहरे समुद्र क्षेत्र होते हैं, वहां पर प्रोड्यूसर तो पॉसिबल नहीं, और आप समझते हैं कि फोटोट्रॉप्स तो पॉसिबल ही नहीं है, आप समझ सकते हैं कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट
इकोसिस्टम, गहरे समुद्र में उष्ण जलीय वेंट पारतंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन है। अब स्टूडेंट बच्चे पहले कंफ्यूज हो गए, एलगी एलगी में जितने भी एलगी उनमें रेड एलगी कंपेरेटिव अदर एलगी ब्राउन के कंपेरिजन में थोड़े डेप्थ पे होते हैं क्योंकि क्रोमेटिक अडेप्टेशन होता है उनके अंदर, फाइकोबिलिन्स आर फाइकोरिथ्रीन और वो यूवी रेज को अडेप्ट मतलब एंट्रैप कर सकते हैं, तो थोड़ी सी डेप्थ पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि डीप से अडोथर्म में पॉसिबल है वो, जहाँ सनलाइट कोई भी टाइप की रेडिएशन पहुंच ही नहीं सकती वहां पॉसिबल ही नहीं हो। क्लियर। अब अपन कहते हैं कि डीप से अडोथर्म इकोसिस्टम के लिए अगर कोई अगर प्रोड्यूसर हो तो कौन हो सकता है, तो वहां तो हो सकता है कीमोसिंथेटिक, क्योंकि कीमोसिंथेटिक होते हैं जो विदाउट सोलर एंट्रैप किसी केमिकल का एनी केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, और उसके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज करते हैं किसके अंदर, सुगर सिंथेसिस में, CO2 फिक्सेशन में, तो कीमोटोट्रॉप्स होते हैं। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बाकी ब्लू ग्रीन एल्गी पॉसिबल नहीं है, कोरल रिफ ग्रीन एल्गी पॉसिबल ही नहीं है। यस, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट पर ये आपको जो क्रोमेटिक अडेप्टेशन है, जो लाइट एबायोटिक फैक्टर दे रखा है वहां पर पूरा आपको समझा रखा है। और मैं आपको बता दूं कि भाई एल्गी एल्गी में कंपेरेटिव ज्यादा डेप्थ पे आपका हो सकता है रेड, बट बहुत ज्यादा डेप्थ जहां सनलाइट ही नहीं है वहां पर अगर वो प्रोड्यूसर है तो फोटोट्रॉप पॉसिबल नहीं है, कीमोटोट्रॉप होगा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा। यस और नो? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सेलेक्टेड स्पीसीज। आप समझ सकते हैं कि आर वैल्यू, डार्विन फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की जो अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की इंट्रिंजिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंजिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, दैट इज आर वैल्यू, डार्विन फिटनेस। अब आप समझ सकते हैं कि वहां स्पीसीज ने जो बहुत सारे आप जानते हैं कि वेरिएशन वहां शो की, आप जानते हैं कि फिटनेस के लिए कई सारी उन्होंने डिवाइसेज को अडेप्ट किया कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लाइफ में एक ही टाइम पे रिप्रोड्यूस करेंगे, जैसे बैम्बो और सालमोन फिश, कई हैं जो मैनी टाइम करेंगे। अब वहाँ दो हैं, एक जो लार्ज साइज करेंगे वो कम संख्या में ऑफस्प्रिंग करेंगे, लेस इन नंबर, और एक स्मॉल साइज में लार्ज इन नंबर। और आप समझ सकते हो आर वैल्यू यानी आर सेलेक्टेड स्पीसीज होगी जो स्मॉल साइज लार्ज इन नंबर। यस और नो? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विथ लार्ज साइज पॉसिबल नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी स्मॉल साइज हो सकता था, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज यही पॉसिबल नहीं है, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विद लार्ज साइज पॉसिबल नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज, तो जो लार्ज प्रोजेनी करते हैं वो स्मॉल साइज की प्रोजेनी और उनकी बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा होता है और लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, तो ये आपकी होती है आर सेलेक्टेड। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फोर। ये बहुत नया क्वेश्चन आया और आप समझ सकते हैं कि जो इक्वल वेरिएशंस होती है वहां से ये क्वेश्चन आया। एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में देखा, देखो एनसीईआरटी में कहां कहां छोटी छोटी लाइन है, तो नए रूप में क्वेश्चन आया था आर सेलेक्टेड स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस और नो? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास, किस पारितंत्र में अधिकतम जैव भार होगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें, आप अच्छे से जानते हैं कि जो प्रोडक्शन है या फोटोसिंथेसिस है वो ज्यादा एक्वेटिक रीजन में है, लेकिन जो बायोमास है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, अपन कहते हैं ना टोटल एनपीपी का जो 17 बिलियन टन है उसमें से ओनली 55 बिलियन टन ही ओशियंस का है, बाकी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का है। तो आप समझ सकते हैं कि किस पार का अधिकतम जीव भार होता है, ग्रासलैंड, पॉन्ड, लैक, फॉरेस्ट। तो यहाँ सबसे बेस्ट आंसर होगा फॉरेस्ट, फिर ग्रासलैंड, फिर आपका लैक वो पॉन्ड और फिर लैक हो जाएगा। यस, तो यहाँ अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी, क्यों फॉरेस्ट में मेजोफाइट्स होते हैं, लार्ज साइज ट्री होते हैं, तो वहाँ अवेलेबल बायोमास जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्लियर। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, प्रेजेंस ऑफ प्लांट अरेंज इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल एरो डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी सीन इन बेस्ट इन सुस्पष्ट ऊर्ध्वाधर स्तरों में व्यवस्थित पादपों की अपनी लंबाई के अनुसार उपस्थिति सबसे अच्छी कहां देखी जा सकती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर से है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, यानी पूरे साल भर उच्च वर्षा, उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप जानते हैं कि सबसे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी शो करते हैं, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो मैक्सिमम सनलाइट यानी मतलब वेल डिफाइंड जो अरेंज होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ब एक लेवल हो गया। क्लियर। हर्ब के ऊपर फिर आप जानते हो कि सर्ब ये सेकेंड लेवल हो जाता है, फिर स्मॉल हाइट ट्री और फिर लार्ज साइज ट्री। तो लार्ज साइज ट्री आपका जहाँ लिनास भी होती हैं, क्लियर, एपिफाइट्स भी होते हैं,
तो ये आपके होते हैं अलग अलग हाइट लेवल पे ये अरेंज होते हैं ऑप्टिमम सनलाइट लेने के लिए, इसको आप बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, जो कम्युनिटी का करेक्टर है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आंसर होगा, आंसर विल बी फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत मस्त क्वेश्चन ये आया था, क्लियर। फिर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेंड विथ द फॉलोइंग डेटा, निम्नलिखित आंकड़ों में किस प्रकार का पारिस्थितिक पिरामिड प्राप्त किया जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें आप कि पिरामिड तीन टाइप के होते हैं, और पिरामिड ऑलवेज पिरामिड के बेस पे हमेशा ऑलवेज प्रोड्यूसर होते हैं, ऑलवेज प्रोड्यूसर एट बेस। और आप जानते हैं कि जो पिरामिड टॉप लेवल, यहाँ टॉप कंज्यूमर होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ये ट्रॉफिक लेवल T1, T2, T3 और T4 ऐसे अरेंज होते हैं। आप समझ सकते हैं बेटा कि थ्री टाइप के पिरामिड वहाँ पर होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर वैसे और पिरामिड ऑफ बायोमास ऑलमोस्ट अपराइट ही होते हैं, अगर आप जानते हैं कि बेस रीजन अगर एक्सपेंडेड होगा तो अपराइट ही होगा। और एनर्जी पिरामिड तो ऑलवेज और ऑलवेज अपराइट होते हैं, क्योंकि रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10%, तो एनर्जी बहुत वे में डिक्रीज होती जाती है। यस, बल नंबर के पिरामिड भी, ग्रासलैंड का, पोंड का नंबर का पिरामिड अपराइट, ओनली एंड ओनली ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम में जो पैरासाइट फूड चेन होती है वहाँ इन्वर्टेड होता है। और आप समझ सकते हैं कि अगर वो फूड चेन आपको दे रखी ट्री के ऊपर की, ट्री पर इंसेक्ट स्मॉल बर्ड एंड लार्ज, तो आपका स्पिंडल हो जाएगा। यस, अब आप समझ सकते हैं कि बायोमास का पिरामिड ट्री इकोसिस्टम का हो, चाहे पैरासाइट का हो, चाहे ग्रास, वो अपराइट होता है। लेकिन जो ओशियंस होते हैं, वहाँ मैंने आपको बताई थी कि जो फाइटोप्लैंकटन होता है, फाइटोप्लैंकटन की जो स्टैंडिंग क्रॉप है, लिविंग बायोमास है, वो जू प्लैंकटन से कम है। और फिर आप जानते हो कि स्मॉल फिश, और फिर आप जानते हो कि लार्ज फिश। तो वहाँ आप जानते हैं कि जो पिरामिड और बायोमास है इन ओशियंस, वहाँ आप जानते हो कि जो स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंकटन कम होती है, लेकिन वो बायोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होने से, लाइफ स्पान शॉर्ट होने से, कई जनरेशन उस टाइम पीरियड में हो जाती है उनकी फाइटोप्लैंकटन की, तो अपने से ज़्यादा बायोमास वाले जू प्लैंकटन को जो न्यूट्रिशन की उनकी सप्लीमेंट को उनकी पूर्ति कर पाते हैं, क्लियर। फिर आप जानते हो कि जू प्लैंकटन स्मॉल फिश और लार्ज फिश। तो यहाँ पर आपको देखो क्या दे रखा है, सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम, प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम, तो लिविंग बायोमास है। अब 10 ग्राम 60 120 इट मीन 10 ग्राम अवेलेबल फूड, फिर 60 फिर 120, तो ये क्या हो जाएगा, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर नहीं होगा, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास नहीं होगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी नहीं होगा, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4। और मैंने स्टूडेंट एक बात कहता हूँ मैं आपसे, कोई भी ईयर आप देख लें चाहे, पिरामिड का क्वेश्चन 100% है। पिरामिड में आप एक ही चीज दिमाग लगाएं कि पिरामिड के अंदर बेस पे प्रोड्यूसर को लेना है, और पिरामिड के अंदर दो ही कंडीशन होती है, नंबर का पिरामिड ट्री डोमिनेंट का स्पिंडल या इन्वर्टेड, और बायोमास का पिरामिड ओशियंस का तो इन्वर्टेड, और स्मॉल लैग का आपका क्या होगा, स्पिंडल होगा। तो अच्छे से आप तैयार कर लें, यहां बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। ये देखो फिर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सामान्य तो उल्टा होता है। तो मैंने आपको एक ही चीज बता दी, एनर्जी के पिरामिड ऑलवेज और ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ बायोमास इन ओशियन इन्वर्टेड, और इन लैक स्पिंडल, और पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम। आप समझ सकते हैं कि पैरासाइट फूड चेन के अंदर इन्वर्टेड, और जो ट्री पर डिपेंडेड इंसेक्ट स्मॉल बर्ड होते हैं उन पे आश्रित, तो वो आपका होता है स्पिंडल। अब आप यहाँ पे आ जाएं कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट अपराइट होगा, क्लियर, क्योंकि पिरामिड ऑफ बायोमास इन ओशियन इन्वर्टेड होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, तो ये आप समझ सकते हैं कि 100% इन्वर्टेड हो गया। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड अपराइट होगा, क्लियर, और पिरामिड ऑफ एनर्जी तो ऑलवेज ही क्या होता है, अपराइट होता है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एक्सिटिव प्लांट कंजर्वेशन। तो आप समझ सकते हैं कि इकोलॉजी फर्स्ट पार्ट में 41 क्वेश्चंस थे, इकोलॉजी के सेकंड पार्ट में आप जानते हैं उससे आगे क्वेश्चंस हैं। इकोलॉजी से स्टूडेंट ध्यान दें, हर ईयर 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, और 10 क्वेश्चन मिनिमम है, इसलिए 92 क्वेश्चन पिछले ईयर्स में है, 2013 से 19 तक ही। और आप समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट है। तो आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर एबायोटिक फैक्टर्स के बाद में आप पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ से अच्छे से तैयार करें, फिर पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस वहाँ से 100% एक क्वेश्चन आता है, फिर आप जानते हो कम्युनिटी में, आप जानते हो कि उसके बाद आप इकोसिस्टम स्ट्रक्चर
और पिरामिड पिरामिड यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, उसके बाद सक्सेशन से क्वेश्चन मेनली होता है, फिर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में 3 क्वेश्चन आपके होते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज में आपके क्वेश्चन होते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताए गए हैं। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।